की अगर फसल अच्छी हो गई तो नथुराम सोनार से तेरी वो पायल की जोड़ी छुड़ा लाऊंगा। जमींदार जी यहाँ एक मिल बनाना चाहते हैं, ये क्या एक नई मुसीबत? तब तो हम सबको खेती बाड़ी हटानी पड़ेगी। मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगा। तो कल तक मेरी सारी रकम मैं सूद के चुका जाओ। कल तक? जिंदगी में 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं ले। 235 रुपए मैं कहाँ से जुटाऊंगा? कलकत्ते में तो रुपए बस हवा में उड़ते फिरते हैं, बस पकड़ो और जेबें भरते जाओ। जल्दी लौटना। हाँ हाँ, 3 महीने तो देखते देखते कट जाएं। मुझे कोई काम मिल सकता है यहाँ? यहाँ कचौड़ी समोसे रसगुल्ले मिलते हैं, काम वो सामने वाले दुकान में मिलता है। गरीब आदमी हूँ बाबूजी, मुझे काम चाहिए। वाह रे कलकत्ता शहर, काम तो क्या पूछने पर कोई बात का जवाब तक नहीं देता। तो मुझे रिक्शा चलाना सिखा दो, मैं भी रिक्शा चलाऊंगा। ये पैसे गिन के और संभाल के अंदर रख दे। अच्छा बाप। अब तो भैया एक एक पाई को दांतों से पकड़ना पड़ेगा। आज जेब गरम है अपनी, सालिम 2 रुपए कमाए। 2 रुपए? इतने कहाँ से मिले? अरे जूता पॉलिश करके। बाबा तुम मुझे एक बक्सा बना दोगे? कैसा बक्सा रे? जूता पॉलिश करने का। बाबू बाबू सुना तुमने क्या लिखा है? हाँ बिटिया, मेरा कन्हैया भी रोजगार करता है आजकल। भगवान करे वो जुग जुग जिए। मेहनत पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। उनकी कोई खबर ही नहीं मिलती। जमींदार के अभी 50 रुपये और देने हैं। मुझे जाना ही पड़ेगा। कहती हूँ मर उठो सम्भू, उठो मर। जैसे भी हो आज मुझे 50 रुपये जुटाने ही चाहिए, नहीं तो मेरे पापा कहीं रास्ते में ही गिर कर मर जाएंगे। चोर चोर! इस्लाम का बेटा होकर तूने चोरी की? चोरी चोरी बेईमान! तू जाकर बचवा को और अपने घर वाले को वापस ले आ। क्या वो आएंगे? अभी तो बहुत रुपए बाकी हैं। ओह शंभू मातो के डेरे पर चलो। अबे उठा, खड़ा मुंह क्या देख रहा? उठा जमीन बचाने के खून बहा बहा कर ये पैसे जमा किए, आदमी से खून खरीदूंगा। माँ वो देखो जहाँ से धुआं उठ रहा है ना, ठीक वहीं पर अपना मकान था। भाग यहाँ से, भाग।